भंडारा जिले के तुमसर तहसील में नदी किनारे वाले गांव महालगांव वारपिंड के पार सोंडा धुटेरा से बड़ी संख्या में रेत उत्खनन कर 40 से 50 ट्रक रोज रात को प्रशासन के नाक के नीचे से ले जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन आग बंद कर बैठी है। रेती चोर दिन दहाड़े ट्रैक्टर से रेत नदी से निकालकर पास ही बड़े पैमाने पर डंप कर रात को जेसीबी के माध्यम से डंपर एलपी ट्रक पर ओवरलोड डालकर रात में ही रवाना करते हैं। मिली जानकारी के हवाले से बात सामने आ रही है कि जहां रॉयल टीपी फर्जी गोंदिया जिले के तिरुडा अर्जुनी सावरी मांडावी गांव से लाया जा रहा है और प्रशासन की आंखों पर धूल झोंक कर कार्य बड़े पैमाने पर राजस्व लूट रहे हैं। अभी तक रेत माफियाओं पर लगाम कसी नहीं है, जिससे लोकल गांव के लोगों को आने जाने के लिए बड़े बड़े रास्ते पर गड्ढे निर्माण हो गए हैं, जहां आए दिन दुर्घटना होती रहती है, जिससे आए दिन गांव वालों की शिकायतें मिल रही हैं। जब शिकायतों पर ध्यान देने एनबीसी न्यूज की टीम और कुछ पत्रकार रेती घाटों की तरफ पहुंची तो रेत माफिया नदी से रेत निकालकर ट्रैक्टरों में लोड कर रहे थे। रिपोर्टर टीम को आता देख रेती माफिया भाग खड़े हुए। अब देखते हैं इस पर जिले के उपविभागीय अधिकारी तहसीलदार इस पर कार्रवाई करेंगे क्या। एनबीसी न्यूज के लिए भंडारा से सुरेंद्र चिंदालोरी की रिपोर्ट।